दीपक दुबे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। कुछ हलचल तेज हुई, थोड़ा सा फासला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बढ़ता दिखाई दे रहा है। दीपक, जी हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुँचे हुए हैं और अंदर एक बड़ी बैठक कहें तो चल रही है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच। और कुछ ही समय पहले जो राघव चड्ढा यहाँ पर पहुँचे थे वो यहाँ से हंसते हुए बाहर निकले। जब आंकड़ों में फेरबदल हो रहा है, रुझानों में फेरबदल हो रहा है, तो चेहरे पर खुशी भी अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में साफ तौर पर देखी जा सकती है। यही वजह है कि जब यहाँ से राघव चड्ढा कुछ समय पहले निकले तो उनके चेहरे पर जो हाव भाव था वो खुशी वाला था। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की है। अब देखना होगा कि कुछ ही समय के बाद जब जिस तरह से रुझानों में लगातार बड़ा परिवर्तन आ रहा है उसको देखने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और भगवंत मान कुछ ही समय के बाद पार्टी दफ्तर जा सकते हैं या नहीं। लेकिन वो सभी अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अपने बड़े तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को यही कहा गया है कि अभी संयम से रहे, अभी ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंकड़े कभी भी इस पार से उस पार जा सकते हैं। लेकिन अब तक के जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, तो इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है और इसके साथ साथ जो चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के उनके चेहरे पर खुशी की लहर है। लेकिन अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि रुझान उनके पक्ष में कम से कम 80 से 90% आ जाए और उसके बाद जाकर वो मीडिया से रूबरू भी होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित दिल्ली वासियों को संबोधित भी करेंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा जी। और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या हो रहा है पल्लवी? ये दिल की धड़कनें तो तेज हो ही रही हैं और जब तैयारियां होती हैं तो वो तैयारियों को जब होल्ड पर रखा जाता है तो थोड़ी इम्पेशेंस भी आती दिखती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और जैसा आपने कहा और अभी दीपक ने जो वहाँ से बातें कही कि अभी होल्ड पे हैं और जब तक कि 80-90% उनको लगता नहीं है कि नहीं अब हम सेफ जोन में हैं और हम कर सकते हैं एक तरीके से माहौल, जश्न का माहौल हो सकता है, तब तक लगता है पार्टी दफ्तर में भी वो तस्वीर नहीं दिखाई देगी। हालांकि हलचल यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर मैं संदीप जी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी मैं तमाम प्रवक्ताओं को सुन रही थी जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता थे अजय शेरावत, वो कह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन के साइट पर इस वक्त डेटा आ रहा है तो उस डेटा में भी तो बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, वहाँ तो 100 का आंकड़ा भी नहीं छुआ है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो बहुमत की ओर बढ़ चुकी है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर तस्वीर जो है वो बिल्कुल पर अभी दिल की धड़कनें तेज हैं। और यहां पर आम आदमी के लिए एक और बुरी खबर भी आ रही है पल्लवी, अब थोड़ा एमसीबी से हट लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.